आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बंबई के वॉटसन होटल के सामने एक तांगा रुकता है, एकदम चमचमाता हुआ। इसके आगे दो गठीले हंगेरियन घोड़े बंधे हैं। देखकर ही मालूम पड़ता है कि अंदर बैठी सवारी आम नहीं खास होगी। इसमें बैठे हैं भारत के उभरते हुए उद्योगपति जमशेद जी टाटा। ये वो समय है जब दुनिया 19वीं सदी में दाखिल होने वाली है। शहर में टाटा को सब जानते हैं, जो उन्हें नहीं पहचानते वो भी उनकी रुआबदार कद काठी की वजह से पलट कर देख लेते हैं। कारोबार बढ़ाने में व्यस्त रहने वाले टाटा आज वक्त निकालकर एक अंग्रेज दोस्त के साथ डिनर करने आए हैं। मेहमान पहले ही पहुंच चुका है। उसने तांगे के पास जाकर टाटा से हाथ मिलाया और उनके सूट की तारीफ की। Hello Mr. Tata, how are you sir? You look absolutely suave and sophisticated in that suit. A true epitome of elegance. फिर मुस्कुराते हुए दोनों होटल की तरफ बढ़ने लगे। अचानक दरबान ने टोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। टाटा ने हंसते हुए कहा, अरे जाने दो भाई, ये अच्छे इंसान हैं। गोरे हैं लेकिन अच्छे इंसान हैं। दरबान टाटा के मजाक को समझ ही नहीं पाया और जवाब दिया, ये साहब जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, उधर देखिए। उसका इशारा पास में लगे बोर्ड की तरफ था। इस पर लिखा था, इंडियंस आर नॉट अलाउड। टाटा के साथ साथ उनके मेहमान ने भी उस बोर्ड को पढ़ा। उसके होश फाख्ता हो गए। सोचने लगा कि टाटा को जरूर बुरा लगा होगा, लेकिन जमशेद जी टाटा के लिए ना तो ये नया था और ना ही उकसाने वाला। ऐसे मौकों पर चुप रहना उनकी फितरत नहीं थी। उन्होंने इसका जवाब दिया, ऐसा जवाब जिसकी मिसालें एक पूरी सदी के बाद भी दी जाती हैं। आज तक रेडियो प्रेजेंट्स एक बखत की बात। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये एक बखत की बात है। तब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और कॉटन मिल्स का हब बन चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बंदरगाह था, इसके जरिए तैयार माल विदेशों में जाता था। लेकिन जब जमशेद जी टाटा को अपना खुद का पहला कॉटन मिल लगाना था, तब उन्होंने बॉम्बे की जगह नागपुर को चुना। उनके इस फैसले पर लोग कुछ हैरान थे और कुछ कंफ्यूज भी। नागपुर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वहां कोई मिल लगाने की सोचे। लेकिन जमशेद जी टाटा वक्त को बदलने से पहले देख सकते थे। उन्हें नागपुर के राजा से सस्ती दरों पर 10 एकड़ ऐसी जमीन मिली जो पानी में डूबी रहती थी। इसे पहले भरना था और फिर मिल खड़ी की जाती। लोन के लिए जब जमशेद जी एक मारवाड़ी बैंकर के पास पहुंचे, तब वो उनकी बात सुनकर पहले हैरान हुआ और फिर हंसते हुए कहा, टाटा साहब आपकी ये बात समझ नहीं आई। पहले आपने हमेशा डूबी रहने वाली जमीन को खरीदा और अब आप उसे भरेंगे। पूरी दुनिया जमीन खरीदती है और उससे सोना निकालती है, आप सोने के पैसों से जमीन भरना चाहते हैं। अब टाटा उस बैंकर को अपनी बात क्या समझाते। लेकिन ये बात भी है कि सबके मना करने के बावजूद जमशेद जी टाटा नागपुर में ही मिल क्यों लगाना चाहते थे। एक्चुअली जिस कॉटन को बॉम्बे से पूरी दुनिया में भेजा जाता था, उसका कच्चा माल नागपुर से ही आता था और नागपुर के पास थी ट्रेन जो बॉम्बे और नागपुर को जोड़ती थी। बाद के सालों में जमशेद जी का नागपुर शहर में मिल बनाने का फैसला एकदम सही साबित हुआ। बंबई में उस रात वॉटसन होटल के गेट पर भी जमशेद जी टाटा ने एक ऐसा ही फैसला लिया था। इसे अगर वो वहां मौजूद लोगों के सामने बताते तो कोई मजाक उड़ाता, कोई हंसता और कोई बेपरवाही में यूं ही बस जाने देता। लेकिन टाटा ने मन ही मन सोच लिया था, मैं भी एक होटल बनाऊंगा, बॉम्बे का सबसे आलिशान होटल जिसकी चर्चा दुनिया भर में होगी और नाम होगा ताज। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, ना अपने बिजनेस पार्टनर्स से, ना बेटों से, ना बाकी घर परिवार के लोगों से। और ये बात वो अपनी बहन को बताने में भी हिचक रहे थे।
एक सुबह दोनों चाय पी रहे थे, इधर उधर की बातें चल रही थीं। अखबार के पन्ने पलटते हुए जमशेद जी ने धीमे स्वर से कहा, मैं सोच रहा हूं बंबई में कुछ बड़ा किया जाए। बहन ने पूछा, अब क्या करना चाहते हो, इतना कुछ तो कर रहे हो। समंदर किनारे एक होटल खड़ा करना चाहता हूं। क्या होटल? तुम बेंगलोर में साइंस इंस्टीट्यूट खोलने वाले हो, एक बड़ी सी स्टील और आयरन की फैक्ट्री भी लगाना चाहते हो, और अब ये भटारखाना। गुजराती में किचन को भटारखाना कहते हैं। जमशेद जी की बहन टाटा परिवार के नाम को होटल से जोड़ने को अपमान की तरह ले रही थी। जब आखिरकार तय हुआ कि जमशेद जी बॉम्बे शहर में एक होटल बनाएंगे, तब यह अनुमान लगाया गया कि उनके सपनों का होटल 25 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। लेकिन जमशेद जी इन पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। जैसे ताजमहल एक तोहफा है शाहजहां का, बस वैसे ही वो इस शहर को एक तोहफा देना चाहते थे। होटल के भीतर लगने वाले झालर झूमर का ऑर्डर देने खुद जमशेद जी बर्लिन गए थे, और सोडा बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए अमेरिका। होटल ताज के आर्किटेक्ट थे F.W. स्टीवेंस, और उन्हें कुछ भारतीय इंजीनियर्स मदद कर रहे थे। इंजीनियर की बात निकली तो एक दिलचस्प कहानी बताता हूं। जब ताज बनकर तैयार हुआ तो यह अफवाह उड़ी कि इसका इंजीनियर एक फ्रेंच व्यक्ति था, वो डिजाइन बनाकर अपने देश चला गया। जब वापस होटल देखने आया तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि होटल उसके डिजाइन के मुताबिक नहीं बना था। होटल का एंट्री पॉइंट समुद्र की तरफ होने के बजाय इसका पिछला हिस्सा समुद्र की तरफ था। उसे बात इतनी बुरी लगी, दिल को ऐसी ठेस पहुंची कि वो होटल के टॉप फ्लोर पर गया और खिड़की से कूदकर जान दे दी। हालांकि जैसा मैंने बताया, ये तो अफवाह है। होटल का मुख्य द्वार समुद्र की दूसरी तरफ जरूर था, और ये सवाल अक्सर जमशेद जी से पूछा भी जाता था। जब होटल बन रहा था तब वो कंस्ट्रक्शन देखने अक्सर साइट पर जाते थे, और वहीं पास में बनी एक टपरी पर चाय भी पीते थे। एक रोज टाटा चाय की चुस्की लेते हुए होटल की तरफ देख रहे थे, तभी चाय वाला उनके पास बैठे अपने दूसरे ग्राहकों को चाय बढ़ाते हुए टाटा से कहने लगा, मालिक छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके होटल के डिजाइन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है? इतना बोलकर वो रुक गया। टाटा ने सिर हिलाकर आगे बोलने का इशारा किया, मुझे लगता है कि अगर होटल का मेन गेट दरिया की तरफ होता तो जचता। जमशेद जी ने उसे पास बैठाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका नुकसान है। अगर मेन गेट दरिया की तरफ होगा तो ज्यादातर कमरे पीछे की तरफ होंगे, और मैं चाहता हूं कि होटल में रुकने वाले ज्यादातर मेहमानों को दरिया के नजारे मिले, ठंडी हवाओं का मजा मिले, बस इसलिए ऐसा कर दिया। वैसे 60 के दशक में ताज के एंट्री पॉइंट को बदलकर इसे समंदर की तरफ कर भी दिया गया था। 1930 के आसपास किचन को ऊपर से नीचे ले आया गया, और ये इसलिए किया गया क्योंकि जब टाटा कंपनी से बेचना चाहती थी तब टॉप फ्लोर पर बना किचन खरीदारों की नजर में कुछ चुभ रहा था। वैसे आजादी के बाद इसे दोबारा बेचने की कोशिश की गई, क्योंकि इस होटल में रुकने वाले ज्यादातर मेहमान यूरोपियन हुआ करते थे। तब देश की जनता की जेब में इतना पैसा नहीं था कि वो ताज में रुक सकें। अभी जिस समय आप हमें सुन रहे हैं, उस वक्त होटल ताज में एक प्रीमियम सुइट की कीमत तकरीबन 1,00,000 रुपए हर रात है। लेकिन साल 1903 में पूरी सुविधाओं वाले कमरे में रुकने की कीमत 20 रुपये थी, और तब 32 ग्राम सोना आप 19 रुपये के भाव पर खरीद सकते थे। हालांकि अपनी सारी सुविधाओं के बावजूद ताज के शुरुआती दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तब अंग्रेज भी अंग्रेजों के बनाए होटल में रुकना पसंद करते थे। जब बीकानेर के महाराज पहली बार यहां रुके, उसके बाद बाकी राजाओं महाराजाओं का ताज पर भरोसा जमा, और फिर तो विदेशी भी इसकी तरफ खींचने लगे। जमशेद जी टाटा ने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की स्थापना की, स्टील प्लांट, टाटा इंस्टीट्यूट और होटल ताज। अपने 3 सपनों में वो बस एक को ही साकार होते देख सके। 16 दिसंबर 1903 को ताज बनकर तैयार हो गया, और उसके अगले ही साल 65 साल की उम्र में जमशेद जी टाटा की मृत्यु हो गई। उनका बनाया ताज कई सालों तक बंबई के समुद्र तट पर अकेला शान से खड़ा था, लेकिन साल 1911 में उसके पास ही गेटवे ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ,
लेकिन इससे ताज की शोहरत कम नहीं हुई। आज भी कोई मुंबई घूमने जाता है तो एक बार होटल ताज के पास फोटो खिंचाना नहीं भूलता। इसके एंट्री रजिस्टर में दुनिया की कई महान हस्तियों के नाम हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, बराक ओबामा, ब्रैड पिट। इसके अलावा कई फिल्म्स और किताबों में भी इस होटल का जिक्र है। इसकी अहमियत आप यूं भी समझिए कि जब आतंकवादियों ने बंबई के दिल पर हमला करना चुना तो उन्होंने होटल ताज पर भी हमला किया। कभी वॉटसन होटल के दरवाजे पर हुए अपमान का जवाब जमशेद जी टाटा ने जैसे दिया, वो होटल ताज की शक्ल में पिछले 120 सालों से सर उठाए खड़ा है।